I'll be honest. संगीता यार लड़कियों को ज्यादा टाइम लगता था यार उन्हें में कपड़े एंड दुपट्टा अलग ज्वेलरी अब बोलिए शी बट शी भी ज्यादा टाइम नहीं लेती ये भी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत वेट कराती है बीइंग अ गर्ल ऑब्वियसली उन्हें ज्यादा टाइम लगता है इतने श्रृंगार करना होता है बट ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती है सो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत टाइम लगाती है बट ऑब्वियसली कंपैरेटिवली जी बार बार होता रहता मोस्टली होता रहता है और मैं परेशान हो गया हूँ हर सीन में मैं सीरियस एकदम मजाक करो बट सीन के बाहर जब सीन चल रहा हो ना कंप्लेन हो रही है यार अब हो रही है तो हो रही है यही गेम है परेशान कर देती यार सीरियस रहे ना जब सीन हो रहा है ऑब्वियसली आई एम वेरी सीरियस एक मारूंगा झूठ बोल रही है कब हुआ ऐसा अरे उस दिन नहीं तो कह रहा था अपनी लाइंस याद कर ले और बाद में मेरी लाइंस हो चुकी थी और बार बार प्रॉम्प्ट जी नहीं मैं प्रॉम्प्ट एक सेकंड आज तक आज कितने महीने हो गए 6 या 7 महीने हो गए सिर्फ एक सीन में मैंने प्रॉम्प्ट लिया है और इसने बहुत चीज में लिया है अभी रिसेंटली हमने जो एक सीन साथ में किया था दैट वाज अ कंफ्यूजन एक लाइन था जो मैं कुछ और बोल रहा था और कुछ और थी बस लेकिन लाइन भूले फ्रीक्वेंटली कौन बोलता है भूलता है मेरे लाइन से इतने सारे होते तो भूलती है ना बात ये है एक्सप्लेनेशन नहीं दे अरे ये क्या बात है एक सेकंड मैं ये सेट पे सो जाती है मैंने आज तक सेट पर सोया हूं कभी सेट पे यार हां 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 2 मिनट का टाइम ले चलो सेट ये तो सेट पर ही सो जाती है ये तो अब चेंज कर अब मी कर इसको मी है ये क्या मुझे मेरे भाई ने कहा था जब मौका मिले दीदी आराम कर लिया कर आगे एक्चुअली मैं इसको ऑनेस्ट बोलती हूँ मुझे नहीं लगता कि इतना झूठ बोलता है और एक्चुअली मैं भी कभी झूठ नहीं बोलती हाँ तो इसलिए मेरा नाम ले दे कई बार मैं बहुत कहानियाँ बोल लेता ओके साहिल के कहने पे हाँ अब झूठ तो ये भी नहीं बोलती मैं भी नहीं बोलता बट अब क्वेश्चन था नहीं है तू ठीक है मैं उस बात को भी मानती हूँ वियर्ड थिंग्स चीटिंग क्यों करती है वियर्ड बता बड़ा जल्दी ही बोल दिया बोलना वियर्ड मतलब जो नॉर्मल नहीं रहता दिस इज नॉट नॉर्मल बड़ी जल्दी किया ही बोल अब बड़ा मजा आ रहा है तुझे आंसर मैं नहीं करती हूँ फॉर शो बट मैं क्या करता हूँ ये जो करता है नाक में उंगली डाल देता हूँ मुझे ना इसका अचानक से चुप हो जाना बहुत वियर्ड लगता है तो ये होते हैं हाँ ये मुझे कहता रहता है कि मैं अपने जोन में रहती हूँ या अपने मूड में होती हूँ या खोई खोई रहती हूँ ये सडनली थोड़ा ऐसा इसका मुंह बन जाता हाँ, है मेरा ऐसे ऑन एंड ऑफ होता है एकदम हाँ तो ये जो होता है ना ये मुझे बहुत वियर्ड लगता है हाँ हाँ मूड स्विंग्स यू नो मूड स्विंग्स करेक्ट एकदम राइट हिम अंकिता एंड श्वेता निर्मला माँ उनका भी दोनों एक सेकंड ये तो इंस्टाग्राम पे लगी रहती है पता नहीं सारी एक्चुअली हाँ. मेरे घर पे फिलहाल टीवी नहीं है नहीं मैं इंस्टा पे देखती हूँ बट मैं देखती रहती हूँ मतलब इंसान चार इंसान बात कर रहे हैं बीच में रख माइक चार इंसान बात कर रहे हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 24 घंटे अपने इंस्टाग्राम में सीन देखती रहेगी अरे शूट कर रहा है रिलैक्स घर जाके देख लियो 24 घंटे एंड मैनर्स होते हैं ना एक मैनर्स जब एक ग्रुप बैठा होता है चार लोग होते हैं सिखा रहा हूँ चार लोग बैठे होते हैं तो मतलब इट्स बेटर टू यू नो टॉक टू ईच अदर रादर देन जस्ट वॉचिंग योर ओन सीन एयरपोर्ट पे एक सेकंड एयरपोर्ट पे पीआर हम करने जा रहे थे कहाँ जा रहे थे नागपुर वहाँ पीआर की दो लड़कियाँ थी जो एक सृष्टि और एक थी नाम भूल गया मैं उनका
अब हम उन पहली बार ही मिले थे, ऑलमोस्ट पहली बार मिले थे, और ये मैडम हम बातें कर रहे हैं और ये अपना ही शो देख रही है एयरपोर्ट पर सुबह सुबह, मतलब दैट वाज हाइट्स। कम ऑन, मुझे पता था कि हम सारा दिन साथ रहने वाले हैं। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया, इट्स ओवर। सॉरी दोनों इसका एक स्टेप बहुत अच्छा लेके, वो हमारी एंगेजमेंट में आया था, इसने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे किया था। मैं मार दूंगी साहिल, वो तो किलर था, मैं सच में मार दूंगी, अब तो मैं जानबूझ के मारूंगी साहिल। इतना टाइम हो गया, मैं अभी तक उस स्टेप का फैन हूँ। जो ऑडियंस देख रही है वो हमारा एंगेजमेंट वाला डांस देखे, वो सब बहुत अच्छा डांस किया था, ऐसे 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 इधर उधर लहराई थी। हाथ बहुत छोटे हैं ना इनके, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे लगता है। Okay, यार मैं नहीं खेल रही है। Style again. बहुत ज़्यादा ज़्यादा भोली है, नहीं करती चीज़, बहुत ज़्यादा भोली है। राइट, खुश रहे, बेसिकली इसके पास आंसर नहीं होता कुछ बोलने का, रिप्लाई नहीं होती, प्लीज जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट। मार दिया उसने, होठ सुजा दिए मेरे, मम्मी सोचे कि पता नहीं मैं क्या करके आया हूँ। सॉरी बोला, शट अप। दोनों मतलब दोनों, एक इंसिडेंट बताइए बहुत इजी, जो इसने किया था। दो किए थे, एक बता दे कोई इंटरेस्टिंग अगर हो। इंटरेस्टिंग तो क्या ही है, एक दिन इसे लगा कि इंटरव्यू में इसने कुछ ज्यादा बोल दिया, और तो इसको लगा कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, संगीता को भी बुरा ना लग गया हो। तो आके मतलब हम मेकअप रूम में जा रहे थे, तो बेसिकली जैसे मैं अभी मैंने सॉरी यार अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया हो, मतलब तू इतना मैं सीरियसली मत लियो। फिर उसके बाद इसका रिएक्शन, मैंने कहा यार अब तो बोल दिया, नहीं अब तो कर लिया ना, अब बोल के क्या फ़ायदा साहिल, तब सोचना चाहिए था। ऐसी इसने कुछ बोला था, अब आई एम नॉट गोना फॉल फॉर इट। Bro, that's me. एक सेकंड, मी क्या? क्यों मैं नहीं हूँ, मैं मतलब क्या झूठ बोलती फिरती हूँ, ये क्या बात हुई? हाँ वैसे ही दोनों सच बोलते हैं, हम दोनों ऑनेस्ट हैं, रोना नहीं है। हाँ दोनों ऑनेस्ट, बहुत फन था ऐसे सेगमेंट, अब आप और किया करा करें, मतलब वैसे फन सेगमेंट्स बहुत कम मिलते हैं हमें, सो दिस वॉज बाय फार द मोस्ट फन सेगमेंट वी एवर हैड। We love you, thank you so much. आप इतना प्यार दे रहे हैं हमें, ऐसी शो देखते रहिए और आपका प्यार से हमें देते रहिए। मेघनाल नायरान पूरे स्वाभिमान को अपना प्यार देते रहिए और प्यार फैलाते रहिए। Hi, my name is Sahil Uppal and you're watching me on Glitz Vision. Do subscribe the channel. Thank you.